अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के तत्वाधान में 12 तहसील मुख्यालय पर आज जहां विभिन्न मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया, वहीं संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा यह भी मांग की गई है कि मनरेगा के तहत जिन मजदूरों ने लॉकडाउन के दौरान कार्य किया था, उनकी मजदूर का भुगतान ग्राम प्रधानों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे वे ग्राम प्रधानों के घरों के चक्कर काट रहे हैं। अतः मनरेगा के तहत कार्य किए हुए मजदूरों की मजदूरी को नियमानुसार उनके खातों में भुगतान कराया जाए और किसानों के द्वारा खुले बाजारों में बेची जाने वाली फसलों के निर्धारित मूल्य को बढ़ाया जाए। इन कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय मजदूर व किसान हाथों में बैनर व तख्तियां लेकर के तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किए और देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधन में एक ज्ञापन तहसीलदार 12 को दिया गया। वहीं पत्रकारों द्वारा तहसीलदार 12 से ज्ञापन के बारे में पूछने पर बिना किसी बात को बताए चले गए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से राजेश सोनकर की खास रिपोर्ट। किस समस्याओं को लेकर आज तहसील मुख्यालय पर धरना दिया गया है? हम लोग अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के बैनर तले किसानों के खेती के 3 अध्यादेश पारित कर दिए हैं सरकार ने, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वो है क्या, खेती के 3 अध्यादेश में पहला अध्यादेश यह है कि समर्थन मूल्य सरकार तय नहीं करेगी। दूसरा अध्यादेश ये पारित कर रही है कि हम भारत की 2800 मंडियों को हम बेच देंगे, प्राइवेट सेक्टर में डाल देंगे। तीसरा अध्यादेश यह है कि हम सारे देश के गोदामों को हम बेच करके किराए पर दे देंगे, जिससे कि हम लोगों ने इसका विरोध इसलिए किया कि भारत की न मंडी रहेगी, न गोदाम रहेगा, न किसानों से समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा जाएगा, जिससे हमारे जीवन को खतरा होगा, हमारी भूख प्राप्ति की जो आवश्यकता है उसको पूर्ति नहीं करेगी, सरकार उसको हटाना चाहती है। इसलिए हम जो संसद में और या 12 तहसील इकट्ठा होकर आज इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि हमारे जीने के लिए सरकार जो अपना पीछा छुड़ा रही है, कॉरपोरेट के चंगुल में घुसेड़ रही है और उसका हमारे खून पीसने की तैयारी करे, हम उसका विरोध करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा जिला महासचिव राजकुमार पथिक प्रयागराज। आज तहसील मुख्यालय पर धरना जो दिया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? एक तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये तो राष्ट्रीय स्तर से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की राष्ट्रीय आह्वान की तरफ से खेती पे जो 3 नए अध्यादेश सरकार ला रही, किसान विरोधी है, वो मजदूर विरोधी है, उसका खिलाफ है। और 2020 बिजली का नया कानून बनाया जा रहा है, जो उद्योगपति का जो रेट बिजली मिलेगा वही रेट गरीबों का भी दिया जाएगा, इसका हम विरोध करते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा लोकल स्तर का है कि सरकार ने पिछले 2 सालों से यमुना नदी के अंदर बालू खनन को बंद करके रखा है और उसमें 24 जून 2019 को एक नया अध्यादेश भाजपा की योगी सरकार ने दिया है कि नदी के जलधारा से खनन नहीं होगा, जिससे लाखों लाख मजदूर बेरोजगार हैं, भुखमरी झेल रहे हैं, बीमारी झेल रहे हैं और अस्पतालों में जा रहे हैं तो उनका इलाज नहीं हो रहा है। जो आप देख रहे होंगे जो निचले स्तर के गांव स्तर में छोटे छोटे डॉक्टर होते हैं उनको झोला छाप कहकर अपमानित किया जाता है, आज हम देख रहे हैं कि वही झोला छाप डॉक्टर कहें चाहे जो उनको कहें तो गरीबों को मसीहा मानते हैं, वो गरीबों का इलाज करते हैं और वही अब निचले स्तर से ठीक भी कर लेते हैं। अब उनको भी सरकार आज 2-3 दिन से हम देख रहे हैं इलाके में बड़ा हड़कंप मचा है कि उनको इलाज नहीं करने दिया जाएगा। हम ये मांग करते हैं कि सरकार सरकारी गांव में डॉक्टर भेज के गरीबों का इलाज कराए मुफ्त में। और दूसरी बात, मनरेगा का काम पिछले लगभग अप्रैल से मई तक चला है लगभग एक महीने और उसके बाद काम बंद हो गया है। काम बंद होने के बाद अभी तक बहुत सारे लोगों का पूरे इलाके में हमने भ्रमण करके देखा है कि मजदूरों का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, मजदूर प्रधान के पास रोजगार सेवक के पास दिन रात चक्कर काट रहे हैं और बेवकूफ बना के वापस कर दे रहे हैं और लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा, हम चाहते हैं कि उनका पेमेंट हो। आपका परिचय? विनोद कुमार निषाद, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा जिला कमेटी सदस्य। आप लोग आज किस मुद्दे को लेकर आज तहसील मुख्यालय का घेराव किए? देखिए, सरकार
तीन अध्यादेश लाई है खेती में, उसमें से खास रूप से खेती को बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियों को सौंप रही है, जिसमें कि लागत तो वो तय करेंगी, फसल किसान को क्या पैदा होगा वो करेंगी और फसल भी खरीदेंगी, यानी सारा का सारा मंडियों में भाव भी तय करेंगी। और इसके साथ साथ मंडियों में न होकर के डायरेक्ट जो है खरीदी करेंगी, जिससे कि जो पूरी श्रृंखला है जो है अपने देश की कृषि की, वो पूरी की पूरी श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। तो उस बात का हम विरोध कर रहे हैं, जबकि लगातार AIKSCC लगातार यह मांग कर रहा है कि खेती में जो लागत लगती है, खाद बीज डीजल कीटनाशक, इसके दाम कम होना चाहिए। और 2006 में EMN स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट दी थी, जो संतुष्टि की थी रिपोर्ट की, जिसमें कि वो किसानों की जब आत्महत्याएं हो रही थी, तो उन्होंने आयोग बनाया था, 30 आयोग के अध्यक्ष थे स्वामीनाथन, जिन्होंने की बात कही थी कि अगर किसानों की आत्महत्याओं को रोकना है तो फसल का डेढ़ा दाम और किसानों की पूर्ण कर्ज माफी करनी होगी। जिस बात को लेकर लगातार AIKSCC ये मांग कर रहा है, तो सरकार ने उस मांग को किया नहीं। आज देश की जनता जब जो है कोरोना काल में, कोरोना महामारी में जो है 5 महीने से लगातार जूझ रही है, कठिनाइयों का सामना कर रही है, उस दौर में ये सरकार जो कि कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए इस तीनों अध्यादेश को ला रही है। हमारा संगठन AIKMS और AIKSCC दोनों मिल करके ये दो जो है इसका विरोध करते हैं, सरकार की नीतियों का। आज किसानों के हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हालात हैं, क्योंकि आज जो है सरकार ने 1840 रुपए जो है धान का समर्थन मूल्य तय किया था, लेकिन आज अगर देखा जाए तो मंडियों के अंदर जो है आज जो है धान और गेहूं दोनों जो है 1400 से लेकर के 1600 के बीच बिक रहे हैं। आज किसान और मजदूर दोनों जो है बड़े ही दयनीय हालात में हैं, रोजगार सब छिन गए हैं, कोई रोजगार नहीं है, तो लगातार इस दयनीय हालात में जी रहे हैं। तो हम सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए आज इस 12 तहसील प्रांगण में इकट्ठा हैं। राम कैलाश कुशवाहा, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा, जिला प्रयागराज।